चाकू की नोक पर बंधक बनाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, बेखौफ हुए अपराधी, शोपुर में आए दिन हो रही संगीन जुर्म। देश में नहीं रुक रही दुष्कर्म की घटनाएं, कोलकाता में डॉक्टर से बलात्कार कर हत्या करने वाला मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि इधर शोपुर में एक और हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां नाबालिग के साथ गर्दन पर चाकू उड़ाकर जान से मारने की धमकी देते हुए दो वहशी दरिंदों ने दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे दिया। जब नाबालिग द्वारा विरोध किया गया तो युवक ने नाबालिग के गर्दन पर चाकू उड़ा दिया तो दूसरे युवक ने पहले नाबालिग को मारा पीटा, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के शोपुर शहर के भैंसपाड़ा की है। यही नहीं, दरिंदों ने नाबालिग को धमकी भी दी कि घटना के बारे में पुलिस या किसी को बताया तो जान से मार देंगे। जब मोहल्ले में बंद कमरे में इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो नाबालिग किशोरी के चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तो देखा कि एक युवक ने नाबालिग के गले पर चाकू अड़ा कर रखा है और दूसरा युवक भागने की तैयारी में था। जैसे ही लोगों ने दोनों को पकड़ा वैसे ही वह हाथ छुड़ा कर भाग खड़े हुए, तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और नाबालिग और परिजनों को थाने लेकर पहुंचे, जहां नाबालिग के बयान के आधार पर दोनों अपराधियों की पहचान और बलात्कार सहित अन्य धाराओं में आरोपियों पर मामला दर्ज कराया गया। आरोपी और आदि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि जिस वक्त दोनों युवक को लोगों ने पकड़ा उस वक्त दोनों आरोपी युवक नशे की हालत में थे। नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के साथ साथ मारपीट भी की। शोपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 15 साल की नाबालिग बालिका ने थाना कोतवाली में कल शिकायत किया था कि उसके मोहल्ले के ही दो लड़के थे और उन्होंने उसको कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ बलात्संग किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस पर से FIR पंजीबद्ध कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।